I felt my skin kind of, you know, glowing. A little oil and warm. Keep it on the face. उसको थोड़ा सा मिल्क में उसको भिगो देने का, फ्रिज में रख दीजिए. आफ्टर 10-20 मिनट्स टेक इट आउट, जस्ट अप्लाई टू योर. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिल्पी सिंह ट्यूटोरियल्स. आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आज आप लोग से शेयर करने वाली हूँ सेलिब्रिटीज़ वायरल ब्यूटी हैक. जी हाँ, आज की वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ. सेलिब्रिटीज़ जो लोग होते हैं वो कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं, हम उसे फटाफट जाकर खरीद लेते हैं. तो लेकिन आज मैं उनके पर्सनल ब्यूटी हैक्स आप लोग से शेयर करूँगी, ट्राई करूँगी, देखूँगी उनके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं या नहीं, और उनके रिज़ल्ट मैं आप लोगों से शेयर करूँगी. तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना. तो चलिए वीडियो को लेट ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लोग से मैं शेयर करूंगी कटरीना कैफ की ब्यूटी हैक, जहां पे वो आईज फेशियल रूटीन करती हैं. तो उसके लिए एक चाहिए स्टील का बाउल लेंगे, आप कांच का भी ले सकते हैं, ग्लास का भी ले सकते हैं. तो मैं यहां पे लूंगी, आइस क्यूब डालूंगी, उसके बाद 1 लीटर करीबन मैं यहां पे ठंडा पानी मैं इसमें डालूंगी. आप नॉर्मल भी ले सकते हैं. उसके बाद फेस को मैं इसमें डीप करूँगी करीबन एटलीस्ट 1 मिनट तक, क्योंकि कटरीना कैफ जो मैम है वो भी करीबन 1 मिनट तक ही फेशियल रूटीन करती हैं. मैं 1 मिनट तक कंटिन्यू करूँगी. बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, फिर भी 1 मिनट तक मेरे को करना है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट आप लोग से शेयर करनी है. तो 1 मिनट होने ही वाला है. अब हो गए हैं 1 मिनट, मैं अच्छी तरह से ले ली हूँ आइस फेशियल अपने फेस पे. अब बात करते हैं रिज़ल्ट की. तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है. स्किन पे एक नेचुरल ग्लोइंग आ गई है, एक फ्रेश सा फील हो रहा है. तो ये जो मॉर्निंग में करे तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है. क्योंकि जब हम लोग सोकर उठते हैं ना, तो स्किन में एक पफिनेस आ जाती है, जो कि ये आइस फेशियल करने से वो पफिनेस ख़त्म हो जाती है. फेस जो है, स्किन जो है वो टाइट हो जाती है, स्किन पे एक ग्लोइंग आ जाती है. आप कंटिन्यू करोगे ना इसे, तो डेफिनेटली आपकी स्किन में बहुत अच्छी चेंजिंग आएगी, एक स्किन आपकी टाइट हो जाएगी, एक नेचुरल ग्लोइंग भी आ जाएगा. इसके बाद आप जो स्किन केयर या फिर मेकअप जो कीजिएगा वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, और आपकी जो स्किन है वो नेचुरली ग्लो करेगी. तो कटरीना कैफ की जो ये हैक है अच्छी है, इसके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं. तो मैं इन्हें 10 out of 10 देना चाहूँगी, क्योंकि इसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं और ये स्किन के लिए अच्छा भी होता है. थैंक यू कटरीना मैम. अब मैं आप लोग से शेयर करूँगी अनन्या पांडे की फेस पैक ब्यूटी हैक. तो फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून कर्ड, 1/2 टेबल स्पून हनी, 2 pinch ऑफ टर्मरिक. इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है. इनके बेनिफिट्स अनन्या पांडे मैम बता रही हैं. बिकॉज इट हैज लैक्टिक एसिड इन इट, व्हिच एक्चुअली हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ डेड स्किन एंड हल्दी, एंड इट्स रियली गुड फॉर एंटी इंफ्लेमेटरी. एंड हनी इट गिव्स यू दैट ग्लो. एवरी टाइम आफ्टर आई यूज दिस फेस मास्क ऑन माय फेस, आई फेल्ट माय स्किन काइंड ऑफ, यू नो, ग्लोइंग एंड टिंटेड. सो लेट. अब मैं इस फेस पैक को अपने फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी. जैसे ही अनन्या पांडे मैम ने बताया है कि इसे लगाकर आपको 15 मिनट्स के लिए फेस पे रखनी है, तो मैं इसे अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी. और ये सारे इंग्रेडिएंट ऑर्गेनिक है, तो ये अच्छा ही, इसके रिज़ल्ट अच्छे ही आएंगे. और पहले से भी मैं ये सारे रेमेडीज अप्लाई की, उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं. तो मैं अपने फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर ली हूँ. अब इसे 15 मिनट्स के लिए मैं फेस पे रखूँगी, उसके बाद नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लूँगी. तो मैंने फेस को वॉश कर लिया है. अब मैं इसकी बात करी इसकी रिज़ल्ट की कर लेना है. इट्स रियली वर्क गाइस. ये स्किन को हाइड्रेट प्रोवाइड करता है, स्किन को ड्राइनेस नहीं होने देता. हम लोग जब भी कोई फेस मास्क अप्लाई करते हैं तो फेस थोड़ा ड्राई हो जाती है, लेकिन इससे नहीं हुई, और फेस पे एक नेचुरल ग्लो भी आ गया है. तो अनन्या पांडे की ये रेमेडी बहुत ही अच्छी लगी. ये फेस पे अच्छी सी ग्लोइंग भी आ गई,
और ये सारे ऑर्गेनिक है, तो मैं इन्हें 10 out of 10 देना चाहूँगी। थैंक यू अनन्या मैम। तो क्विक चॉप करने का क्यूकम्बर को, लाइक स्लाइसेस में, गोल गोल स्लाइसेस में उसको चॉप करने का, उसको थोड़ा सा मिल्क में उसको भिगो देने का, फ्रिज में रख दीजिए। आफ्टर 10-20 मिनट्स टेक इट आउट, जस्ट अप्लाई टू योर होल फेस, जस्ट कीप इट ऑन योर फेस, ऑन योर आईज, या वो पूरा ऐसे गोल गोल अरेंज करके जस्ट 10-15 मिनट्स रुकिए, उसके बाद टेक इट ऑफ। अब मैं शेयर करूँगी माधुरी दीक्षित मैम की ब्यूटी हैक। जैसा कि आप लोग ने देखा, उन्होंने बताया कि आपको इसके लिए चाहिए रॉ मिल्क, थोड़ा सा आपको रॉ मिल्क चाहिए, और एक क्यूकम्बर चाहिए, स्लाइसेस में कटी होनी चाहिए, और उसे आपको डीप करके रखना है रॉ मिल्क में 10-15 मिनट्स के लिए, आपको उसमें डुबो कर डीप करके रखनी है। उसके बाद पूरे फेस पे अप्लाई करना है। तो मैंने पहले ही से ही इसे अच्छे से कट करके 10 मिनट्स के लिए मिल्क में डुबा कर रखा था। अब मैं इसे फेस पे अप्लाई करूँगी 1 by 1 करके, देखते हैं ये फेस पे टिकता है कि नहीं। क्योंकि और भी जो ब्यूटी हैक्स जो शेयर किए हैं मैंने देखा, उन लोगों के फेस पे ये टिक ही नहीं रहे थे, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अप्लाई किया तो थोड़ा सा मिल्क में मेरे फेस पे अच्छे से ये टिक रहे थे। मैं पूरे होल फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी, जैसा कि माधुरी दीक्षित मैम ने बताया है। और इसे मैं 10 मिनट्स के लिए अपने फेस पे रखूंगी। गाइज आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से फेस पे टिकी हुई है। और भी लोग जो यूट्यूबर लोग हैं वो लोग भी शेयर किए, बट उनके एक भी फेस पे नहीं टिक रहे थे, बिकॉज़ उनके बहुत सारे मिस्टेक थे, जो कि मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या मिस्टेक थे उनके, किसकी वजह से उनके फेस पे नहीं टिक रही थी। तो ये बहुत ही अच्छा है, देखिए मेरे फेस पे अच्छी तरह से टिकी हुई है, और 10 मिनट्स के बाद ही मैं इसे हटाई हूँ फेस से। 10 मिनट्स के लिए फेस पे ही रहने दी। चीन के पास जो थी ना वही बार बार गिर जा रही थी, बाकी सारे आप देख सकते हो फेस पे कितनी अच्छे से टिकी हुई है। अब मैं इसे 10 मिनट्स हो चुके हैं, मैं इसे हटा लूँगी फेस से, जैसे कि माधुरी दीक्षित मैम ने बताया। 1 by 1 करके मैंने हटा लिया है। अब मैं ठंडे पानी से फेस को वॉश करके आती हूँ। मैंने अच्छे से पेन ड्राइव कर लिया है, अच्छे से ही फेस को वॉश करने के बाद। बात करें रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। आप फेस पे देख सकते हैं कि अच्छे से ग्लोइंग आ गई है, क्योंकि इसमें डाले गए हैं मिल्क, जो कि स्किन को एक नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, और इसमें जो क्यूकम्बर डाले गए हैं वो इस जो फेस को एक फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है, फ्रेशनेस देता है स्किन को। तो ये बहुत ही अच्छा रेमेडीज़ है। और बहुत किसी ने ये नंबर कम क्यों दिया मैम को, क्योंकि जो स्लाइस थे वो फेस पे नहीं टिक रहे थे, बट बिकॉज मेरे फेस पे अच्छे से टिके, 10 मिनट्स तक इधर उधर कहीं नहीं गिरे, तो मैं इनको 10 out of 10 देना चाहूँगी। इनके रेमेडी भी अच्छी है, और प्लस की इनके जो स्किन बेनिफिट्स भी अच्छी हैं, फेस पे एक अच्छी सी ग्लोइंग आ गई है। आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। और बात कही कि और भी यूट्यूबर के जो फेस पे क्यों नहीं टिक रहे थे, तो उनकी वजह मैं बताती हूँ कि उन्होंने जो स्लाइसेस काटी थी वो थोड़ी मोटी मोटी काटी थी। आपको एकदम पतला पतला काटना है, और जो क्यूकम्बर आपको यूज़ करना वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, एकदम टाइट होना चाहिए। उसके स्लाइसेस अच्छे से पतले से काटिए, डेफिनेटली आपके फेस पे टिकेंगे और आपको भी बहुत अच्छे लगेगा। तो मैम को ये मैम को मैं 10 out of 10 देना चाहूँगी। I use organic coconut oil, which is amazing. That's great, right? Mm-hmm. Like it gets like a little oil and warm. Keep it on the face for like couple of minutes, and then take like a moist hand towel. Like put that in hot water, and then once it's moist, just like sort of rub it against your skin gently like that, and it exfoliates and hydrates at the same time. अब मैं आप लोग से शेयर करूंगी प्रियंका चोपड़ा मैम की ब्यूटी हैक, जिन्होंने बताया, आपने देखा, उन्होंने बताया कि अपना मेकअप वो है वो कोकोनट ऑयल से रिमूव करती हैं। तो मैं भी चलिए करती हूं और देखती हूं इसकी क्या रिज़ल्ट आती हैं, वो मैं आप लोग से शेयर करूंगी। तो मैं कुछ ड्रॉप्स ले ली हूँ हैंड पे, और अच्छी तरह से मेकअप को रिमूव करती हूँ। चलिए फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी, राउंड अच्छी तरह से, जैसा कि वो उन्होंने बता रही हैं, मैं उसी तरह से कर रही हूँ। अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी पूरी अच्छी तरह से फेस पे,
ऑयल से, उसके बाद आपको वाइप कर लेना है। मैं यहाँ पे एक हैंकी यूज़ कर रही हूँ रिमूव करने के लिए। अच्छी तरह से मैं कर लूँगी और उसके रिज़ल्ट मैं आप लोग को दिखाती हूँ उसके क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं हैंकी पे पूरी अच्छी तरह से मेकअप उतर गई है। मैंने ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया था, लाइट मेकअप मैंने किया था, बट अच्छी तरह से वो रिमूव हो गई है। मस्करा लगाया, लिपस्टिक लगाया, कॉम्पैक्ट लगाया, क्रीम लगाया, काजल लगाया, इतना सारा मेकअप मैंने किया था और डेफिनेटली आपने देखा बहुत अच्छी तरह से ये रिमूव हो गई हैं। तो प्रियंका मैम की ये जो ब्यूटी हैक है वो भी बहुत ही अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। बट इसमें जो ऑयल डाले गए हैं ना, तो इसके बाद आपको डबल क्लींजिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्किन जो है ना वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पोर्स अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो पाते हैं। बट मेकअप बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गई है, तो ये मैम को मैं 10 out of 10 देना चाहूँगी। डेफिनेटली आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा ये वीडियो में। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्किन केयर, हेयर केयर और मेकअप से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।